अरे हेलो मैम साहब, एक सेकंड, में तुझे बाद में बात करती हूँ। मैम साहब, ये आपके पैसे भी गए थे। ये मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे बैंक में थे, पूरे 10,000 रुपए। थैंक यू सो मच, वरना आज के टाइम में कौन ही किसी के पैसे लौटाता है। अरे मैम साहब, हम लोग इंसान हैवान थोड़ी ना है। सोचा आप फोन में व्यस्त थे, आपको पता नहीं चला आपके पैसे गिर गए, तो सोचा आपको वापस लौटा दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम कीजिए, इनाम के तौर पे कुछ पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, पैसों के लिए नहीं। हाँ, आप एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई जरूरतमंद नजर आए ना तो उसकी मदद कर दीजिएगा। रख लीजिए, आपके कुछ काम आ जाए शायद। नहीं नहीं मैम साहब, शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बस अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद कर देना। शुक्रिया। कमाल है, क्या सोचती इनकी। अरे भैया, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास 2,000 का ही नोट है, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। अब आपकी राइड के 400 रुपए बनते हैं तो 400 रुपए काट के बाकी के पैसे मुझे वापस दे दो ना। भैया मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा। प्लीज जल्दी से अपने पैसे काटिए और दे दीजिए मुझे बाकी पैसे वापस। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों बहस कर रहे हो आप? मैडम देखिए ना, मेरे पास ये 2,000 का नोट है और मैं कैब से आया था और राइड के 400 रुपए बनते हैं। ये भाई साहब आके मुझे खुले पैसे ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2,000 का नोट है, पहले छुट्टे लेके आइए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी इंपोर्टेंट मीटिंग है और बोल रहे हैं कि 2,000 के नोट ना बंद हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, 2,000 के नोट अभी सितंबर तक वैलिड है, ये है कि मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अब मैं कहाँ से छुट्टे पैसे लेके आऊँ? कोई बात नहीं भैया, मेरे पास पड़े हैं 400 रुपए खुले, मैं दे देती हूँ। अरे पर मैडम, आप मेरी भैया आप मेरी राइड के पैसे क्यों दे रही है मैडम? इट्स ओके भैया, मुझे लगा आपको इसकी जरूरत थी तो बस मैंने हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी मदद की उसे छुट्टे पैसे देने के लिए। आप ऐसे करिए, आपने मुझे UPI दे दीजिए, मैं अभी आपको गूगल पे कर देता हूँ। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी सिर्फ 400 रुपए ही थे। अगर आपको सच में मुझे पैसे लौटाने हैं तो आप एक काम करना, अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे जिसे आपकी मदद की जरूरत हो, बस आप भी आगे किसी जरूरतमंद की हेल्प कर देना, मुझे लगेगा कि आपने मुझे पैसे वापस लौटा दिए। वाह मैडम, आपकी सोच ना सच में बहुत बड़ी है जी। अगर मुझे कोई जरूरतमंद मिलेगा ना तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू मैम। ये लीजिए भैया आपका राशन, ये लीजिए आपके पैसे। भैया आपके राशन के 800 रुपए में और आप 650 रुपए दे रहे हो, 150 रुपए कम है इसमें। भैया आज इतनी दिहाड़ी लगी है, मैं बाकी के पैसे आपको कल दे दूंगा, आप सामान दे दीजिए। अरे भैया ये आपकी मजबूरी है ना, अगर आपकी दिहाड़ी इतनी लगी है तो मैं आपको बिना पैसों के सामान नहीं दे सकता। आप पूरे पैसे ले आइए फिर सामान ले जाइए। अरे भैया ऐसे मत कीजिए, मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, मैं आपको 650 दे तो रहा हूँ, बाकी के पैसे मैं आपको कल दे दूंगा, कल अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी मेरी। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या? ऐसे अगर मैं सबको बिना पैसों के सामान देने लग गया फिर तो चल रही मेरी दुकानदारी, समझ नहीं आ रहा? जाओ पैसे लेके आओ फिर ले जाना सामान। अरे भैया क्या हुआ, किस चीज के लिए इतनी बहस हो रही है? अरे देखो ना यार भाई, इनके सामान के 800 रुपए बने हैं और ये मेरे को 650 रुपए दे रहे, 150 रुपए कम है उसमें, ऐसे कैसे बिना पैसों के मैं सामान दे दूं? मैंने बहुत लोग देखे हैं जो सामान ले जाते हैं उसके बाद पैसे भी नहीं देने आते। बस कर भाई, हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता है, उसके पास पैसे ही कम है ना, तू एक काम कर, ये ले इसके सारे पैसे ना इन पैसों में से काट ले और ला ये राशन मुझे दे। ये लीजिए भैया आपका राशन, और ये पैसे आप अपने ना अपने पास ही रखिए, जाइए आपके काम आ जाएंगे ये पैसे। नहीं नहीं भैया, मेरे पास 650 रुपया है, 150 रुपया कम है, आप वो कटवा दीजिए, और हाँ वो पैसे भी मैं आपको कल दे दूंगा, मेरी अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी, आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं वहाँ पे आके दे दूंगा पैसे। अरे नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये पैसे रखो, और हाँ अगर तुम्हें कोई जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले ना तो बस उसकी मदद कर देना, मैं यही समझूंगा कि मेरे जो पैसे थे मेरे पास वापस आ गए। जाओ अपने बच्चों का ध्यान रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर किसी की मदद करूंगा। इसमें से पैसे काट के बाकी के पैसे वापस कर। कांता, कांता। हाँ आई, क्या हुआ? आज ना मुझे पता चल गया कि इंसानियत आज भी दुनिया में जिंदा है। तुम्हें पता है हमारे राशन के पैसों में से 150 रुपया कम था और वो दुकानदार हमें राशन देने से मना कर रहा था, लेकिन एक भला आदमी आया, उसने वो सारे के सारे पैसे दे दिए। मैंने उसे बोला कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप मुझे पता बता दीजिए, तो उसने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया, और ऊपर से उसने पता क्या बोला कि तुम किसी और की मदद कर देना। अगर दुनिया में हर कोई एक दूसरे की ऐसे ही मदद करेगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा, है ना? सही बोल रहे हो आप, अगर हम किसी का भला करेंगे ना तो हमारे साथ भी भला ही होता है, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे ना तो भगवान हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा।